पाकिस्तान द फोर्थ एम्पायर शो में आपको बहुत बहुत वेलकम करते हैं। आज 22 फरवरी है जनाब, आज है वर्ल्ड थिंकिंग डे, सोच विचार करने का बहुत बड़ा दिन है। आज दुनिया में सोच विचार करते रहना चाहिए, क्योंकि सोचने से ही इंसान बहुत सारे ऐसे इनकलाब लेकर आ सकता है जो कि आप नॉर्मली बगैर सोचे कुछ कर नहीं सकते। अगर एडिसन सोचते नहीं तो फिर रोशनी कैसे आती, अगर न्यूटन नहीं सोचते तो ग्रेविटी कैसे दरियाफ्त होती, अगर हमारे पॉलिटिशियंस नहीं सोचते तो जाने देते हैं। और अगर कराची किंग्स की टीम के डगआउट वाले भी ना सोचते तो अपनी टीम है, बात कर सकते हैं, क्यों ना करें, क्योंकि हम मुसलसल हार रहे हैं, लेकिन बात करेंगे हमारे लेजेंड से, द वन एंड ओनली अजहर अली। सर, 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 किस्सा मुख्तसर, कहते हैं कि अजहर अली जो है वो जब आ जाते हैं तो फिर कोई ना कोई बात इंपॉर्टेंट लेकर ही आते हैं अंदर की। कहते हैं हैदर अली अगर टीम में हो तो फिर जीतना मुश्किल हो जाता है, कि इस बात में कितनी सदाकत है सर, मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, इसमें सदाकत तो नहीं, लेकिन आई थिंक बैड डे फॉर हिम, इट्स अनफॉर्चुनेट कि आप इतनी इंपॉर्टेंट विकेट रन आउट हो जाए आपके सामने और फिर थोड़े से डॉट बॉल्स भी आप खेल लें और फिर आप आउट भी हो जाएं, तो आई थिंक आई फील फॉर हिम, बट इट्स उसकी जो डिसमिस, उसकी जो रन आउट करवाना और उसके बाद खुद आउट हो जाना, आई थिंक इट्स गोना बी, मेरे ख्याल से विंस का आउट होना जो है वो सबसे सबसे ज्यादा बड़ा सेटबैक हुआ। और अभी मेरी वसीम बादामी से भी मुलाकात हुई, वो भी काफ़ी उदास थे, परेशान थे, और मुझे भी थोड़ा सा आया गुस्सा, लेकिन आज वसीम भाई भी इनफैक्ट बहुत ज़्यादा जो है वो नज़र आया कि उनको गुस्सा आ रहा था और काफ़ी एनिमेटेड नज़र आ रहे थे, तो डू यू थिंक राइटली सो उनका गुस्सा जायज़ है? बिल्कुल, एज ए प्रेजिडेंट आई थिंक फ्रस्ट्रेशन तो नज़र आती है, क्योंकि इतने मैचेस हार गए हैं, आई थिंक टूर्नामेंट में कमबैक करना बहुत मुश्किल लग रहा है, और ऑलमोस्ट हो गया था आज तो कमबैक। बिल्कुल, और कमबैक हो गया, दो तीन मैच इस सीजन ऐसे हुए हैं कि जो जीते जीते हार गए, तो आई थिंक आज फिर आखिरी ओवर में ऐसे लग रहा था कि मैच हाथ में आ गया है, चार बॉल पे छः रन, यू नो जहाँ पे आपको दो ओवरों में 40 रन चाहिए वहाँ आपके चार बॉल पे 6 रन रह जाए, तो आई थिंक यू लुक लाइक अ फेवरेट। कहीं एंड में जाके चोक कर जाते हैं क्यों, क्या लगता है आपको, मतलब आज तो बिल्कुल ऐसे जीत हमारे हाथ में थी और फिर हमने ऐसे हाथ खोल दिया? बिल्कुल, ऐसा होता ना, एक जैसे जीत का एक रिदम होता है, समटाइम हार का भी एक रिदम बन जाता है, टीम हार रही होती है ना वो हर सिचुएशन से हार का तरीका निकाल लेती है। एब्सोल्युटली, इस तरह जो टीम जीतने वाली होती है ना उसको रिदम बना होता है, तो समटाइम वो बड़ी मुश्किल सिचुएशन से भी जीत जाती है। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज आमिर को नहीं खिलाया, आमिर पे बहुत सारी बातें भी चल रही हैं, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, लेकिन जो भी है प्लेयर वो बहुत बड़ा है, बॉलर वो बहुत बड़ा है, एंड ही इज बीन परफॉर्मिंग अमेजिंग, लेकिन आज उसका ना होना, व्हाट डू यू थिंक, हमारे फास्ट पेसर्स जितने भी पेसर्स हमारे थे थोड़े से एक्सपीरियंस की कमी थी? बिल्कुल, इंजरीज ऑब्वियसली हो जाती है तो आप कॉज कर दे, लेकिन इतने बड़े बॉलर का जो है वो नुकसान होना टीम के लिए, और स्पेशली आपका जो बेंच स्ट्रेंथ हो उसके अंदर इतना एक्सपीरियंस ना हो, जो कि आज हमें नज़र आया, इनएक्सपीरियंस नज़र आया, आखिरी 5 ओवरों में 80 रन बने, बहुत आई थिंक, और जो फील्ड रखी जा रही थी, जो प्लान किया जा रहा था उसके और टोटली अगेंस्ट बॉल हो रहे थे, है ना, तो जब मैं आपको मैसेजेस भी कर रहा था साथ साथ में कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, जहाँ का प्लेयर ऊपर आता था वहीं पे चौका छक्का पड़ रहा था। बिल्कुल, वैसे ही हुआ कि जैसे थर्ड मैन ऊपर बुलाया है तो आपने लेंथ कर दी, बिल्कुल ऐसे ही पीछे बॉल कर दिया, और अगर आपने मिड ऑफ को ऊपर बुलाया तो यॉर्कर लेंथ कर दिया, तो आई थिंक टोटली ऑपोजिट जा रहा था। बहुत ही गड़बड़ चल रही है जनाब, लेकिन क्योंकि आज मैच पे ज्यादा दिल नहीं चाह रहा है बात करने का क्योंकि कराची हार गया है, तो हम चलेंगे अपने गेस्ट की तरफ। बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, जाने जाते हैं एक्चुअली अपने लगन और अपनी अपने सब्र की वजह से, क्योंकि इन्होंने पिछले 10-12 साल से डोमेस्टिक में इतना ज्यादा परफॉर्म किया, बहुत मुश्किल हालात देखे, लेकिन टीम में सिलेक्शन काफी मुश्किल रही, लेकिन फाइनली एक कमबैक किया, टीम में आए और फिर सेंचुरियां ही सेंचुरियां बनाई, द वन एंड ओनली, प्लीज वेलकम फवाद आलम। भाई वाह, लड़का, हेलो सर, कैसे हैं आप? भैया कैसे हैं? आइए आइए सर, आइए, तशरीफ लाइए। भैया उठ भी नहीं रहे। भैया सर, भैया उठ नहीं रहे आपसे, भैया आजकल खुद से भी नहीं उठ रहे हैं। भैया से दूर बैठूंगा? नहीं, हाँ दूर, थोड़ा दूर, थोड़ा दूर, दिस इज अ फैमिली शो, दूर रहिए प्लीज जरा। अच्छा जी, वो फैमिली लोग कह रहे हो करीब बैठे। अच्छा भाई फवाद भाई, क्योंकि थोड़ा सा कराची का मुद्दा खराब हो गया है, क्या क्या करना चाहिए था आज हमें यार, बड़ा दिल उदास हो गया हमारा तो आज। ये तो चार मैचों से ही हो रहा है कि ये करना चाहिए था वो करना, ये नहीं कर रहे, तुम जख्मों पे हमारे नमक नहीं फेरो, देखो ऐसे मत, ऐसे मत। आई थिंक ये तो प्योर लक का गेम है, जिस तरह कराची हार रही है और 199 भी जब चेस कर रहे थे, एक रन से मैच हारे, ये वाला मैच भी चार बॉलों पे 6 रन जब रह जाए, 2 में 40 था, फिर 4 में 6 रह जाए, तो उसके बाद मैच हार जाए, इस तरह तो सिर्फ दुखी होता है, और कुछ दुखी होता है। चलो कोई बात नहीं, खैर हो गई। अच्छा भाई, सबसे ज़्यादा खुशी हमें तब हुई जब आपकी टीम में वापसी हुई,
बहुत अरसे के बाद, मतलब कि एक 11-12 साल का एक टाइम रहा जिसमें आपको बिल्कुल ना वनडे खिलाया ना अपना टेस्ट खिलाया, T20 के बारे में तो सोचते ही बेसिकली नहीं है, तो क्या T20 में आप बैटिंग नहीं कर सकते? मैं आज जानना चाहता हूँ एज अ ले मैन, मतलब कि एक क्रिकेटर है जिसको बैट, एक बहुत बड़ा प्लेयर है वो, और वो T20 नहीं खेलती है, क्या मसला क्या है? आप दोनों से बनता है वैसे तो ये सवाल, खैर देखिए जी, दोनों को ऐसे को बिठा लिया, दोनों क्या जवाब देंगे? नहीं नहीं, फिर भी मैं जानना चाहता हूँ, क्यों? कोई प्लेयर कोई कुछ भी नहीं कह सकता, बट एक जो आप अपनी तरफ से नज़रिया बना लेते हैं जो भी है, तो वो उस पर फिर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्लेयर खुद आके नहीं कह सकता कि मुझे ये खिलाओ, मुझे ये खिलाना चाहिए। प्लेयर तो वही होता है कि प्लेयर कहता है भाई मुझे जो चीज़ खिलाएंगे मैं वो चीज़ खेलूँगा। अगर एज अ प्लेयर आप देखे जाएँ तो T20 देखें तो कभी वो परफॉर्मेंस की वजह से तो बाहर नहीं हो, अब क्या सिस्टम है वो अल्लाह है ना। क्योंकि मुझे जहाँ तक याद पड़ता है 2009 के वर्ल्ड कप में आप टीम का हिस्सा थे, जो कि T20 वर्ल्ड कप हम जीते भी थे, और वो पता नहीं किसी को याद नहीं आता, 2009 की पूरी टीम के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। अच्छा फवाद, इतना अरसा जब सिलेक्शन नहीं हो रही थी और डोमेस्टिक ही खेले जा रहे थे, तो घर वालों की तरफ से कोई प्रेशर था कि यार चलो अब मतलब कुछ और करते हैं, इस काम में तो नहीं हो रहा कुछ मामला? नहीं, आई थिंक एक घर वाले ही थे जो कह रहे थे खेलो नहीं यार बाकी तो पूरी दुनिया गई थी कि छोड़ दो कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, तो मतलब उनको भरोसा था बेसिकली? अल्हम्दुलिल्लाह उनको भरोसा था, मेरे अब्बू को सबसे ज़्यादा था, तो जिसकी वजह से आज समझ लें कि मैं इधर बैठा हूँ और क्रिकेट भी खेल लूँ। अगर घर की सपोर्ट ना हो तो वाकई इंसान कहीं का नहीं रहता। सपोर्ट से याद आया, हमारे जो अगले मेहमान हैं उनको जितनी सपोर्ट रही, क्योंकि घर में ही जब इतने ज़्यादा क्रिकेटर्स हों, जिनके दादा जहांगीर खान ब्रिटिश इंडिया की टीम के जो क्रिकेट थी उसका हिस्सा रहे, उसके बाद वालिद माजिद खान पाकिस्तान टीम के कप्तान रहे, इमरान खान उनके अंकल वो भी पाकिस्तान टीम का कप्तान रहे, और जावेद बरकी भी उनके अंकल वो भी पाकिस्तान टीम के कप्तान रहे। इतने सारे कप्तान जब घर में हों तो फिर आपकी जेनेटिक्स में डेफिनेटली क्रिकेट के अलावा और कुछ नहीं होता। कॉमेंट्री के सुल्तान है जनाब द वन एंड ओनली माजिद खान। भाई तालियां होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम बास भाई, नजर लग गई आप, आइए आइए, तशरीफ लाइए, आइए आइए। बास भाई, क्या कराची के हारने से आप भी दुखी हैं? बिकॉज आप बहुत स्लो लग रहे हैं मुझे, उदास तो होते, दिल कोई भी टीम होती है। मेरा इस्लामाबाद से ताल्लुक है, 10 बजे तक तो हम सो जाते हैं। तशरीफ रखिए सर, तशरीफ रखिए। अच्छा ये सवाल मेरा आपसे भी है, देखें टैलेंट जब इतना घर में हो, और कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा घना दरख्त हो तो उसकी छाँव में ना जो बहुत सारे छोटे पौधे होते हैं वो ज़रा से खो से जाते हैं, इतने बड़े बड़े नाम घर में मौजूद हों तो क्या लगता है आपको, इससे फ़ायदा होता है या नुकसान होता है? देखिए शुरू में तो फ़ायदा होता है, शुरू में जब आप जाते हैं किसी भी ग्राउंड में तो वो कोई देखता है कि यार ये तो उनका लड़का है, उनका लड़का है तो इसको देखो, नजरें पड़ती हैं, बाद में जाके कि उनका लड़का है मत देखो, स्कोर किया तो उनका लड़का है, नहीं किया तो उनका लड़का, तो उनका लड़का है। लेकिन घर वाले क्या कहते हैं जब देखे? जो भी है, जैसे हम एक्टर्स हैं, अगर हमें 2-4 दिन टीवी पे मैं नजर नहीं आता हूँ तो अचानक से मेरे अब्बू फोन करते हैं मुझे, क्या बात, सब खैरियत तो है ना, आजकल देख विक नहीं रहे? अरे भाई अभी 3 दिन पहले तो मैं दिखा था, तो वो 3 दिन भी बर्दाश्त नहीं होता, घर वालों से परेशान हो जाते हैं, तो कुछ कहते तो होंगे घर वाले कि यार मतलब क्या है, कुछ और करते हैं जिंदगी में या यही करना था? शुरू में जब मैंने शुरू किया तो शायद थोड़ी सी रेजिस्टेंस थी। अच्छा, लेकिन जब उनको लगा कि भाई इसको और किसी बात करता ही नहीं है, सिर्फ क्रिकेट की बात कर रहा है, तो अब इसको जाने दो, अब खेलने दो, शौक पूरा कर ले। लेकिन उनको शायद अंदाज़ा था कि स्पेशली सब कॉन्टिनेंट में ये होता है कि काफ़ी देर लगती है आपको, अगर आप किसी भी बड़े प्लेयर से या आप किसी प्रोफेशन में जाएं जहाँ पे आपका कोई रिलेटिव या कोई आपका रिश्तेदार आप अच्छा उस प्रोफेशन में हो तो आप कंपैरिजन हमेशा होता रहता है। अच्छा मेरा एक सवाल है आप लोगों से, आपने तो T20 अरे रोक दो यार, हमारा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा आज नाच गाने का। क्यों भाई क्या हुआ? अरे धोखे पे धोखा हो रहा है हमारे साथ। क्या धोखा हो गया? पहले वो बोर्ड का चेयरमैन 30,000 लेके भाग गया है? और नहीं तो क्या? अरे जिसने कहा था हमारी टीम डलवाएगा। अच्छा, उसका नाम नहीं लेते हैं, लेकिन समझ गया मैं, ठीक है, आगे वो 30,000 लेके भाग गया, ठीक है। फिर इनको हम 30,000 दिए कोचिंग के लिए, आ ही नहीं रहे हमारे नेट सेशन पे, एक दफा भी नहीं आया। एक मिनट मैं बताता हूँ, ये उस दिन मॉल गए थे शॉपिंग करने के लिए, 2-4 स्नीकर्स वगैरह लेकर आए भैया, इन्होंने 20 करोड़ एडवांस की भी बात की थी पीछे जाके, really? भेजा ना इन्होंने, तो मतलब ये पैसे भी लेकर? अरे भाई कमाएंगे तो देंगे ना, पहले से कैसे देते, अभी तो खेली नहीं हमारी टीम भाई।
भाई ऐसा वैसे नहीं, पहले दिन है। उसके बाद तीसरा धोखा भी हुआ। वो क्या धोखा हो गया? हम मैच देख रहे थे कराची मुल्तान का, कराची जीत गया। ये कब हुआ भाई? पता चला कि वो 2021 का हाइलाइट्स आ रहा था। अच्छा तुम्हारे साथ धोखे इतने क्यों हो रहे हैं? मुझे लगता है देखो सिद्रा भी तुम्हारी जिंदगी में एक धोखा ही है, ऊपर से ये मैच। सिद्रा के बारे में बात मत कीजिएगा। अच्छा नहीं कर, वॉकिंग धोखा, वॉकिंग धोखा। हाँ क्या करना है जिंदगी में, हम परेशान हो रहे हैं बस। और क्या, और आप ही बात सुनिए, अभी दो लोग आए, मैं पहले बैठियो तो बनवा लेना। अरे यार भूल जाते हैं। आज अच्छी बात है कि हमें टेंशन नहीं है। क्या टेंशन नहीं है? आप बहुत शरीफ आदमी है ऐसा लगता है आपको है? अभी इसके एडवेंचर के किस्से आपको दिखाऊंगा ना तो सबको पता लग जाएगा। आवाज देखो के लिए वीडियो बनाना है, ख्याल से बनाइएगा। बातचीत भाई का तो बिल्कुल ही टेंशन नहीं है, वो सिर्फ अंग्रेजी में बात करते हैं, वो सिद्रा को समझ नहीं आया। नहीं, वो वैसे सिद्रा की दादा की उम्र के, हमें कोई टेंशन वाला बात नहीं। चलो आवाज बात सुनो, पहले तो ये बताओ ये पर्दा कहाँ से लिए हो? अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ जहाँ से आपने पर्दा सिलवाया। अच्छा हमारा तो दस्तखान है। वाह, अच्छा एक मिनट, मैंने तुम्हें हमेशा कहा है बीच में बैठना है। जब भी किसी खूबसूरत आदमी के साथ तुम ऐसी वीडियो बनाया करो तो खुद जरूर बैठा करो, जी जी। वरना सिद्रा का ध्यान भट जाएगा। अच्छा ठीक है, तो कोशिश। और वो जो एक और सर, आप ही हैं वीडियो में, ये नाम बता रहे हैं आपको, मैनेज करें, कमेंट्री नहीं है आज, विजुअल मैनेज करो। आज विजुअल नजर आ रहा है। बाजित भाई क्यों शर्मा रहे हैं? मुझे क्या पता, आओ भाई शर्मा। तो फिर एक दो तीन, मैं तो बिल्कुल आप में, आप बिल्कुल सही है, आपके आपके मोजे इनसे मैच कर रहे हैं, घबराने की बात नहीं। इनको यकीन नहीं आ रहा के सित्रा के लिए हम इनसे भी वीडियो बनवा रहे हैं। अच्छा सित्रा बहुत मशहूर हो गई है भाई। चलो फिर ये हो गया शुरू। आपने एक साथ बोला है हैप्पी बर्थडे सित्रा। अरे बोलना है भाई, बोलिए 1 2 3 हैप्पी बर्थडे सित्रा, हैप्पी बर्थडे सित्रा। आप क्यों नहीं बोल रहे? सालगिरह मुबारक सित्रा। एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लगता है तुम सित्रा को पहले से जानते हो? तुम्हारी आंखों में है। नहीं क्या, ये वही वाली सित्रा, मुझे पता नहीं है ना, ये वही वाली सित्रा। ये कहां रहती है तुम्हारी सित्रा? हमारी वाले तो लालू खेत में, जानते होगे ना। गली नंबर क्या है? गली नंबर, या अल्लाह आवाज, हाँ बात यहाँ तक पहुँच गई। नहीं पता है कि वहाँ पहले हुमायूं खड़ा है यार। अच्छा भाई आप इधर, वीडियो रह जाता है आज, तुम वीडियो ना ही बनवाओ तो अच्छी बात है। अच्छा भाई हम चलेंगे अपने अगले अच्छा सेगमेंट की तरफ। अच्छा बात सुने, असल बात सुने। क्या? हमने औरंगी औरंजेस खत्म कर दिया। क्यों? अरे कोई फायदा ही नहीं हो रहा। क्यों, क्या हुआ? हमने सोच लिया हम दूसरा काम करेंगे। कौन सा दूसरा काम? हम कॉमेंट्री करेंगे। पहले इनके काम के पीछे पड़ गए थे, अब उनके काम के पीछे पड़ गए। कमेंट्री सीखेंगे और ये सब हमें सिखाएंगे। अच्छा ये सारे मिलके? हम बता रहे हैं, वो भी कमेंट्री करता है, हमने देखा छुप के जाता है। ये वाला ना, एक लंबे वाले के साथ। ठीक है ठीक है, अगर ये मान जाते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। अरे क्यों नहीं मानेंगे, पैसा देंगे इनको हम। अच्छा पैसे की गेम हो गई तो क्या, फिर सब मानेंगे, हमें पता है। सर थोड़ी सी अगर आप लोग इन्हें सिखा देंगे तो अच्छा हो जाएगा, लड़का कुछ करना चाहता है जिंदगी में। हमारे पास क्लिप मौजूद है, इसमें कॉमेंट्री करेंगे ना, सीखेंगे। पहले किससे शुरू करें? पहले बाजित भाई शुरू करें सबसे। तो बाजित भाई और आप मिलकर करेंगे पहले? पहले बाजित भाई फिर हम। ओके ठीक है, पहले आपकी बारी है, आप क्लिप देखो और कॉमेंट्री। छोटा सा कॉमेंट्री आपको दिखाएंगे, आपने तैयार हो जाए। मुझे क्या पता कौन है, जो आपका दिल करे बना दें आप इनको। चलिए देखिए, तो फिर 1 2 3 स्टार्ट। Monty Panesar sweeps it. Oh, what has gone on there? Inzamamul Haq jumps onto his stumps himself and gets out. He doesn't want to go to the pavilion either. Look, he sweeps, overbalances, jumps onto the stumps, tries to get over, not able to. Kya baat hai? शर्त यह है कि तुम भी इंग्लिश में ही करोगे। इंग्लिश में नहीं होगा, हमसे कैसी बातें कर रहे हो? चलो आओ, और इंग्लिश फंस जाता है थोड़ा सा। औरंगी में कैसे होती है? औरंगी में करेंगे, आइए लगाइए। अब मैं यही क्लिप लगा रहा हूँ, जी लगाइए। तो फिर 1 2 3 स्टार्ट। बॉल करने आए हैं मोंटी बाबू, बॉल किया। अरे जेन्युइनली लगी होगी। अबे एनजी बाबू क्या कर रहे हो? अच्छा तुम्हारा एक बार और कोशिश करेंगे। ऐसे तो नहीं करते कौन? एक बार नहीं, अब सीरियस, बिल्कुल सीरियस बाबू, सीरियस हो जाओ। अब ये वाला तुमने जाया कर दिया, अब हम दूसरा क्लिप करेंगे और फवाद करेंगे। इस पे ये सही आ रहा है, इसी पे सही प्रैक्टिस हो गया। चलो भाई एक बार कोशिश करा लेते हैं। बाबू 1 2 3 7 मोंटी बाबू ने बॉल किया, एनजी भाई खेले। तो फिर 1 2 3 वर्ल्ड गोस टू थर्ड मैन, लुक्स लाइक इट्स गोना गो फॉर 4।
Azhar Ali looks in good touch. भैया ये वही वाला है. भैया. And what's happening here? Ball stopped just right before the boundary line. अब ये क्या हो रहा है ये तो बताओ. What are they doing? What are they thinking? Unbelievable scenes. Who is the batsman? Azhar Ali. Is he? अच्छा वैसे मुझे ऐसा पता चला था कि बैट्समैन को पता लग जाता है कि मिडिल हो गया. आपको समझ नहीं आई थी कि क्या हुआ? ये कहीं दूर से भी मिडिल नहीं हुआ था. नहीं हुआ था ना? नहीं. आप चेक करें इस पे सही पब्लिक के क्या ख्याल आते जब ये क्लिप चल रहा था. रेडी है सर? हम तैयार करिए. तो फिर 1 2 3 स्टार्ट. सेटल बॉल करेंगे. अजहर अली को कट लग गया है. इनको कुछ नहीं पता. बॉल पीछे की तरफ जा रहा है. कैंगरू खिलाड़ी बॉल के पीछे. बॉल रुक गया है. अजहर अली बात कर रहे हैं सबसे सबीक से. बात सुनो, दिन में खाने में क्या खाओ? दाल खा ले. और फिरंगी ने बॉल पकड़ के मार दिया है. अजहर अली खड़े रह गए हैं. अजहर अली सोच रहे हैं ये क्या हो गया हमारे साथ. कैंगरू के लौंडे जो है वो हाथ कर गए हैं अजहर अली के साथ. भाई कैंगरू के लौंडे. सबसे अच्छा सीन था वैसे आपस की. अब फवाद की बारी. फवाद से करवाएं, एक कोशिश करें. फवाद से नहीं कराएंगे. लेट्स सी, ट्राई कर लेते हैं. डर लगता है. फवाद, अगर इसी पे आपको कमेंट्री करने का मौका मिले तो आप कैसी देखो. ऑडिशन, लाइव ऑडिशन हो रहा है. यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है. 1 2 3 स्टार्ट. सिरल ने बॉल किया और अजहर अली ड्राइव करना चाहते थे. एज लगा, थर्ड मैन की तरफ गई और दोनों गप्पे मारते हुए एक दूसरे से बोलते हुए, भैया हाँ जी कैसा मारा? कह नहीं भैया, थोड़ा दूर था बॉडी से, थोड़ा करीब खेलो. और अरे अरे भैया, ये लोग अपील क्यों कर, क्या 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 कर रहे हो? बोले तू जा. ले ले भैया आप जाओ. ले ले तू जा भैया. नहीं भैया आप जाओ. नहीं नहीं भाई, क्या बात है. नहीं नहीं, अच्छा पॉइंट था. एक मिनट, ये कमेंट्री करनी थी, अंदर की बात नहीं बतानी. ये भी हमारे वाले भैया भैया कर रहे हैं, हमारे वाले ये. अच्छा वैसे भास्कर भाई, कभी आपको ऐसा वो कमेंट्री करते हुए वाकई इंसान को इतनी हंसी आ जाए? क्योंकि ऐसे फनी मोमेंट्स तो आ ही जाते हैं और बहुत सारी बातें तो कमेंटेटर्स कह भी नहीं पाते हैं जो कि सामने नजर आ रही होती है. कुछ ऐसे जरा साइड से निकल जाते हैं. तो कैसे बर्दाश्त करते हैं आप लोग? कभी बहुत ज्यादा कुछ हुआ ऐसा? नहीं, बर्दाश्त तो नहीं करते. वो आवाज़ नहीं जाती, बंद कर देते. आवाज़ बर्दाश्त कोई नहीं करता. स्पेशली अगर आप डैनी मॉरिसन के साथ कमेंट्री कर रहे हो तो पॉसिबल ही नहीं है. बहुत मुश्किल हो जाता है. वो हर 2-3 मिनट बाद कोई ऐसी बात कर देता है जो मैं इधर रिपीट नहीं कर सकता. अच्छी रिपीट नहीं कर सकता. अच्छी बात. अच्छा एक क्लिप हमारे पास है, हम जरा दिखाते हैं और उस पर फिर देखते हैं कि क्या इनके ख्याल आते हैं. हाँ भाई दिखाइएगा जरा. अरे ये कौन है? अरे उसको छोड़ो, बासित भाई को देखो. बासित भाई क्या हुआ था? बिल्कुल सकते में आ गए थे आप, साफ सुन गया था. मुझे ऐसे लग रहा था कि वो पॉमी जो है मुझे तबलीग कर रहा है. लगा शायद इसकी मुझे. लेकिन जैसे पाकिस्तान हार जाते हैं अचानक से, अनहोनी हो जाए, जीते हुए जो कि हम लोग अक्सर ऐसा कर ही देते हैं, तो फिर कमेंटेटर्स के दिल में क्या गुजर रहा होता है? इसमें यह हुआ था कि जब शाहिन शाह अफरीदी बैटिंग करने आया तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि यार ये फिट नहीं है, ये रन आउट ना हो जाए. ओ अभी मेरे दिमाग में ये चल ही रहा था, वो सामने लाइव हो गया. देखे ऐसा होता है, आप कुछ सोचते हैं और वो अचानक से हो भी जाता है. अच्छा कॉमेंट्री का शुरुआत एक्चुअली कैसे हुई? क्रिकेट से फिर आपने कहा कि अस्सलाम वालेकुम, या आप जो बातें करते थे वो बाकी सारे क्रिकेटर्स को समझ नहीं आती थी, तो आपने कहा आपने कॉमेंट्री कभी भी नहीं समझ आती. अभी भी नहीं समझ आती भाई, क्या अच्छी बात है. हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाएंगे. द फोर्थ पाई शो में कहीं जाएगा मत. विल बी राइट बैक. देयर लॉट्स ऑफ फन. पाकिस्तान द फोर्थ एम्पायर शो में एक बार फिर आपको बहुत बहुत वेलकम कहते हैं. हम खेलेंगे एक गेम. हमारे साथ हैं बाजित खान और फवाद आलम. भाई पहले फवाद से शुरू करते हैं. फवाद आइए जरा बल्ला उठाइए, देखते हैं कि आप किस तरीके से ये बल्ला उठा सकते हैं. वो बल्ला नहीं है, बल्ला वो रखा हुआ. आइए सर, आइए आइए, तशरीफ लाइए. लेट्स सी भाई फवाद, आपने खेलना तो है ही लेकिन साथ साथ में सवालों के जवाब भी देने हैं. और कोई भी बॉल आपने लेफ्ट नहीं करनी है, आपने हर बॉल पे शॉट भी खेलनी है और जवाब भी देना है. रेडी हैं आप? पहले एक ट्राई बॉल करा दें आप लोगों को. हाँ भाई ये चेक करो, ये देखो जरा. इतने अगर आप वार्म अप कर लेते ना मैच से पहले तो आज शायद PSL खेल रहे होते आप. इतना वार्म अप 4 दिन पहले नहीं किया था उन्होंने. नहीं लिया था 4 दिन पहले नहीं किया था. अच्छा भाई शुरुआत कर लेते हैं. लेट्स सी, सबसे पहले रेडी हैं सर? यहाँ भी रोकोगे? नहीं नहीं वो कह रहे कैसी. अच्छा ठीक है ओके. ट्राई बॉल आपने कहा था, आज छक्के मार के दिखाओ फिर देखते क्या होने जा रहा है. वो तो बता दीजिए 5,000 भाई. इनमें से किस लो भैया
सही है, ये दोनों पीएसएल में नहीं खेल रहे, सही है, सही है, सही है भाई। रेडी है आप लोग? आप लोग अपना करियर खुद ही तबाह कर रहे हैं, मुझे इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। अब आपको पता है जिसको आप शरीफ इंसान कह रहे हैं वो मैं यूं ही था, उसने बॉल करा दी। ओके ओके, आइए आइए वापस आइए। सवाल गौर से सुनना है सर आपने, इनमें से किसकी कैप्टनसी में खेलना सबसे मुश्किल है, मिसबाउल हक, बाबर आजम या फिर शाहिद आफरीदी? मैंने सही नाम नहीं लिया इन्होंने, एक ऑप्शन और मैं देता हूँ, मिसबाउल हक, अच्छा बाबर आजम आज ही देना है या फिर शाहिद आफरीदी या यूनुस खान? नहीं, जो हम ऑप्शन देंगे उन्हीं की बात होगी, कौन है? नहीं, मुझे मुश्किल नहीं लगा किसी के, किसी के साथ जवाब देना है सर, इनमें से सबसे कम मुश्किल चले, कम मुश्किल आई थिंक बाबर, बाबर सबसे आसान है। हाँ। क्या बात है भाई, तालियां होनी चाहिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अच्छी टेक्निक है, अच्छी टेक्निक, प्रेजेंट कैप्टन, प्रेजेंट कप्तान है ना, इसलिए ये वाली बात हुई है। अच्छा जी, टीम में जगह पक्की रखने के लिए परफॉर्मेंस के अलावा किस चीज की जरूरत होती है, दोस्तियों की, खुशामद की या फिर पर्ची की? अल्लाह की मर्जी की, ये ऑप्शन में नहीं है, मारना नहीं भाई, एक क्या ऑप्शन थे, ये ऑप्शन में नहीं है। अच्छा, डर क्यों रहे हो, बोल तो भाई, किस चीज की, वो बताए ना दोबारा रिपीट, पर्ची की खुशामत की या दोस्तियों की? देखिए, पहले जब खेलना शुरू किया तो एक जवाब चाहिए आपसे, हमें कोई एक्सप्लेनेशन, ये मेरे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, तीनों चीजें हुई है ना मेरे साथ, आपके साथ पर्ची भी हुई है, खुशामत भी हुई है, खुशामत भी हुई है और परफॉर्मेंस भी हुई है। भाई वाह, क्या बात है भाई, मैं तो सही जवाब दिया है आपको, अच्छा जवाब दिया आपने, अच्छा जवाब दिया। अच्छा भाई, मैं अगर भैया मैं अगर क्रिकेटर ना होता तो क्या होता, फैशन मॉडल होता, बॉडी बिल्डर होता या फिर कमेंटेटर होता? क्रिकेटर ही होता, क्रिकेटर मतलब कोई और इरादा नहीं, और ऑप्शन भी दे दो यार भैया, उसके बाद कुछ समझ नहीं आया, चल मॉडल होता, मॉडल, ओ माय गॉड, बहुत ताली होनी चाहिए भाई। देखो अंदर दिल में था तो मामला, लेकिन हम्बल हो रहे हैं। अच्छा भाई, अगर तुम्हारी जिंदगी पर फिल्म बने तो कौन सा एक्टर तुम्हारा रोल करेगा? फहद मुस्तफा। अरे वाह, क्या बात है, इसमें आपने ऑप्शन करने से कर दिया, ऑप्शन तो सुनाए, मैंने ऑप्शन, मुझे ऑप्शन चाहिए नहीं ना इसमें, चलो अच्छा, मैं लेफ्टी भी हूँ ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भाई, आओ भाई। अच्छा भाई, इनमें से सबसे अच्छा कैप्टन कौन है, उम्मीद करते हैं कि आप ये जवाब देंगे, बाबर आजम, रोहित शर्मा या फिर बटलर? ये क्या बहरे में हो गए, बाबर आजम, रोहित शर्मा या फिर बटलर? वो भाई टेस्ट मैच नहीं चल रहा है। हाँ जी यार, अरे यार, ये क्या आदमी है, बहुत फंस के खेल रहे हैं, बहुत फंस के खेल रहे हैं भाई, इतना आसान सवाल है यार। फ्रैंक, कैप्टनसी मुझे तीनों में मुझे मजा नहीं आया, कैप्टनसी में नहीं मजा नहीं आया भाई, तालियां बजाए, मजा नहीं आया। जो सवाल इसको छोड़ देने चाहिए वो ये खुद जो है पंगे ले रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, अपनी मर्जी है भाई। आपके कौन से प्रोजेक्ट में आपको अपनी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा बुरी लगी, मतलब कौन सी ऐसी चीज है जिंदगी में की उसमें सबसे ज्यादा बुरी परफॉर्मेंस लगी आपको, एक था ड्रामों में या फिर रियलिटी शो में या फिर क्रिकेट में? जी फवाद, बता बता फवाद, जवाब दें, कौन जानना चाहती है फवाद? रियलिटी में, क्योंकि इन लोगों ने मुझे बाहर निकाल दिया था चीटिंग से, धोखा हुआ इनके साथ, तोड़ दो ये, चलो चलो ये देखे, इतना कभी साइडवेज ही खड़े हुए हैं, हाँ ये भैया शुरू में ऐसी था, भूल गए अंडर 15 में आप हैं, अच्छा भाई जल्दी भूल गए हमारे सवाल का जवाब, कुबरा खान नहीं खड़ी ना, सारे स्टार्स नजर आ रहे हैं आपको, अरे बाप रे, ये इतनी हंसी होती थी, इतनी हंसी थी, थोड़ी और हंसे, स्टार्स पे फोकस, क्रिकेटर सीधे हो गए एक दूसरे से भाई। अच्छा भाई, अगला सवाल, सबसे ज्यादा गुस्सा कब आता है, जब टीम में नहीं होते, टीम में होते हुए भी बैटिंग नहीं आ रही होती तब? मुझे गुस्सा दोनों में नहीं आता। वेरी गुड, क्या बात है, अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है। इनमें से किस बॉलर को 6 पे 6 छक्के मार सकते हैं आप? शाइन, ठीक है खैर है, शाइन आफरीदी, हारिस रऊफ या फिर मोहम्मद आमिर? तीनों को नहीं मार सकता, तीनों भाई ताली होनी चाहिए, लड़का सच बोल रहा है। अच्छा कितने मार सकते हो एक ओवर में, ये तो बता दो, मैंने देख लिया बॉल है जी भाई, एक तो बता दो कितने मार सकते हो, टेस्ट में छक्के थोड़ी मारने, T20 में खेल रहे हो यार, T20 भैया 4 साल से खेल नहीं रहा, समझना भी दो अब कैसे खेलना है। ठीक है अच्छी बात। इनमें से सबसे तेज तरीन बैट्समैन कौन है, बड़ा मुश्किल सवाल करने जा रहा हूँ, अल्लाह खैर करे, अज़हर अली का नाम ना ले लेना, नहीं नहीं गौर से सुनना, बासित खान, मिसबाह उल हक या फिर भैया? हाँ भाई, सबसे तेज बैट्समैन कौन है? मैं अपने भाई को चुनूंगा, बचा लिया, अज़हर अली,
आइए वासिस भाई, आपकी बारी। बहुत सा खेल भाई, फवाद के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। अब देखते हैं वासिस भाई आप क्या कर पाते हैं, क्योंकि लड़के ने काफी अच्छा डिफेंस दिखाया है। लेट्स सी क्या होने। याद रहिए T20 का मैच है, ओके? आप गार्ड ले लीजिए, मसला नहीं है। आराम से भाई, आराम से भाई, कह रहे हैं आपको आराम से। गार्ड ले लें, चेक करते हैं क्या माहौल चल रहा है। चेक करें, गार्ड तो लें। गार्ड, हाँ ठीक है, रेडी, ओके। सबसे पहला सवाल, इनमें से किसको अब क्रिकेट पे बात नहीं करनी चाहिए? और आप सवाल छोड़ नहीं सकते, ओके? शोएब अख्तर, अहमद शहजाद या फिर सलमान भट्ट? एग्जैक्टली, सलमान भट्ट। सलमान भट्ट, सही। कौन सा कमेंटेटर दूसरों को बोलने का मौका नहीं देता? रमीज राजा, वसीम अकरम या फिर वकार यूनिस? इतना आसान सवाल। एक और मैं भी दे दूं ऑप्शन? दे दे। तारिक सईद। तारिक सईद? नहीं नहीं, तारिक सईद तो नहीं है उसमें, वो है नहीं ऑप्शन। नहीं, रमीज राजा। रमीज राजा। रमीज राजा, ओके ठीक है जी। इन कमेंटेटर्स को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पर रैंक करना है आपने। रमीज राजा, वसीम अकरम, बाजिद खान। ओए। अच्छा ख्याल अपना आया है। हाँ जी, रमीज राजा नंबर वन, बाजिद खान। ओके, बल्कि बाजिद खान, रमीज राजा, वसीम अकरम। अरे वाह, क्या बात है। बाद में ख्याल आया अपना। अच्छा, सच्चाई पे इन्होंने ये जवाब दिया है। ये कमेंट्री में साथ हो तो काम में ज्यादा दिल लगा रहता है। ज़ैनब अब्बास, उरूज मुमताज या फिर ईसा गोहा? तीसरा कोई मैं? क्या? ईसा गोहा। तीसरा ईसा गोहा। कोई ईसा गोहा कौन है भाई? ईसा गोहा। ईसा गोहा। ईसा गोहा। ईसा गोहा। ईसा गोहा। आपको भी याद नहीं आ रही? ज़ैनब। ज़ैनब, ठीक है जनाब। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सबसे ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाया? खिलाड़ियों की दोस्ती यारी ने, मीडिया क्रिटिसिज्म ने या फिर इंटरनेशनल कोचेज ने? बाउंसर पे बाउंसर हो रहा है। मीडिया। मीडिया ने, ओके ठीक है। अच्छा कमेंटेटर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है? अच्छी इंग्लिश, अच्छा एक्सेंट या फिर अच्छी आवाज? अच्छी इंग्लिश, अच्छा एक्सेंट, मुश्किल सवाल है यार। इंग्लिश। इंग्लिश, क्या बात है भाई, तालियां होनी चाहिए। लेकिन ये बात तो तय है, ये दोनों वाकई टेस्ट में आ गया। मैं आ गया, मैं आ गया, मैं आ गया। कौन आ गया? कौन आ गया? मैं। जाओ अपनी जगह पे बैठो। आइए सर, बैठिए अपनी जगह पे। आपके लिए एक और तोहफा है। आइए आइए आइए। क्या हुआ? एक मिनट, ये वाजिद भाई आए, मैं चाह रहा हूं वाजिद भाई ये पिच रिपोर्ट प्लीज देखकर दिखाइए। जी जी, ये वाली प्लीज, प्लीज प्लीज, ये वाली देख के। हां, अच्छी तरह अच्छी तरह। ये बड़ी अजीब सी पिच बनाई है, इसमें तो दरारें भी पड़ी हुई हैं, शायद ये उठ भी जाती है, तो पोर्टेबल पिच लग रही है, काफी महंगी बनाई है। हाँ, तो ये बैटिंग है, बॉलिंग है, क्या है कुछ तो बताएं। इस पिच पे बैटिंग भी ना करें, बॉलिंग भी ना करें, क्या करें? सोचो, पूरी छह सीटें लगाई हैं हमने। क्या फील्डिंग सिर्फ? अरे वाह, क्या बात, क्या बात। आइए आइए, तशरीफ लाइए। अरे भाई, तुम क्या सवाल करने आ गए हो अचानक से पिच रिपोर्ट पे? मतलब कि गेस्ट हैं हमारे, जरा थोड़ा सा एहतियात करो, क्या चाहते हो तुम? नहीं, वो करते रहे हैं ना, मैंने देखा हुआ कभी एक बार। तो क्या लगा तुम्हें, सही किए उन्होंने या नहीं की? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं सही की। क्या चाहते हो भाई तुम? चले चले, मैंने अपने इंट्रोडक्शन शुरू करना चाहता हूँ। किसका इंट्रोडक्शन? अपना अपना। अच्छा कर लो, चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख कासिम। और एक्सक्यूज मी, ये क्या नया चैनल शुरू हो गया कोई? जी जी, ये टीवी है, टीवी। ये नया पहला आदमी जिसका एक रात में तसारा पूछा गया है। हाँ, वो वजह है ना, वजह है। आपने वैसे पूछा क्यों नहीं मेरी मुझे कैसे है? पुछे, पुछे। मैंने तुम्हें इतना मुंह लगाया ही नहीं कभी कि मैं तुमसे ऐसे सवाल पूछूं। पर चलो, अगर तुम चाहते हो तो मैं लाइव पूछ। क्या आपकी मुछे हो सकती है? मेरी मुछे नहीं हो सकती? वाह, क्या बात है। वजह है ना, वजह वजह। वैसे ये मुझे लग नहीं रही है, लग रहा है कोई लग कर चला गया है। वो वजह ये थी, मैंने ना शाहिद अफरीदी का क्लिप देखा था, उन्होंने कहा था मूछें हो तो फवाद खान जैसी हो, वरना मूछें ही ना हो। तो मैंने ना वो एक मिनट लिया, फवाद खान की तो मूछें हैं ही नहीं। नहीं नहीं, वो जो इनकी फिल्म आ रही है नेक्स्ट, उसके अंदर है उसके अंदर। अच्छा, ये फवाद आलम है, तुम किस तरफ चले गए हो भाई? अच्छा, ये आलम है। वैसे ना मुझे, मैंने पूछा था आज गेस्ट कौन है, उन्होंने कहा फवाद आ रहा है। ठीक है, जो तुम्हारे मुंह से निकल ही नहीं रहा वो कैसे आएगा? मैंने कहा फवाद खान आ रहा है, उन्होंने कहा नहीं नहीं, जो क्रिकेट खेलता ना वो वाला फवाद। मैंने कहा वो कौन सा? वो कहते वही जिसको कोई खिलाता नहीं है वो वाला। मैंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, याद आ गया। कर ली बदतमीजी। हाँ हाँ, आगे बढ़ो। चले चले, सवाल मैं करना चाहता हूँ। अच्छा, ये आप पर मार दे, मार दे, मार दे।
अंकल को क्यों लेकर आए हैं आप साथ? अरे बाजिद भाई हैं वो। अरे बात बात तो सॉरी सॉरी, तो वो मेरे दूसरे जाने नहीं था। कैसे हैं सर, ठीक रहा है? मैं सवाल पूछो भाई, खुदा का वास्ता पूछ लो। अच्छा मुझे बताएं फवाद खान साहब के। अरे फवाद आलम नाम है उनका। फवाद आलम जने जो भी है, फवाद तो है ना। हाँ हाँ, तो मुझे बताएं इतने ना रिक्शे जो रिक्शे वाले होते हैं वो ना सवारी इतनी ड्रॉप नहीं करते जितना आपको ड्रॉप किया जाता, तो आप थक नहीं गए ड्रॉप हो? तुम ठहर के पिटोगे या यहीं पिटोगे आज? नहीं, जल्दी बता दो। बता देना थक, और हमें भी बता देना, हम भी निकल जाएंगे। इन्होंने पीछे से पकड़ रिक्शे वाला जो है वो सवारी को उतार के थकते तो नहीं है ना? अच्छा आपके साथ ये इशू है? अच्छा ठीक है, ओके सही है। अच्छा अच्छा मुझे बता कौन सा ऐसा कैप्टन है, ठीक है, जो के क्या कहते सबसे ज्यादा ना आपको खिलाता है? अभी तो कोई नहीं है। मैं खाने की बात कर रहा हूं, खाने की अलग है जिंदगी की बातों में तो शो खत्म हो जाएगा। हाँ मुझे लग रहा है। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं ये क्या है? खाने वाला, खाना खाने वाला खिलाता है। किस खाने की बात कर रहे हैं? इस खिलाने वाली की बात? नहीं नहीं, खाने की बात करो, खाने। एक मिनट तुम चुप रहो। वैसे तुम इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हो, ये क्रिकेट छोड़ के बीच में तुम एक्टिंग भी करना शुरू हो गए थे, तो ये क्या मामला था भाई? फिर उसका क्या हुआ? मैंने कहा शायद आप देख के मौका दे दें। ये सारा जिम्मेदारी आप पे आ जाता है हमेशा। सारे मौके मुझे से मांग रहे, मुझे कोई मौका कब देगा? मतलब ये तो कमाल ही बात हो गई। आपको अभी भी मौका चाहिए? आपने छक्के मार दिए सारे, अब आपको मौका नहीं। थैंक यू थैंक यू भाई, तुम भी कुछ कर लो। मैंने आपकी एक्टिंग देखी हुई है, मुझे बताया आपने खुद एक्टिंग अपनी देखी है कि अभी तक नहीं देखी? चाहे आपको ऐसा दोस्त हो जो आपका मुखलिस दोस्त हो जिसने आपको सच बताया हो, है कोई? अल्हम्दुलिल्लाह। बताया अच्छी बात है। बाजी भाई वैसे आपका इनकी एक्टिंग के बारे में क्या ख्याल है? आपने देखी इनको एक्टिंग करते हुए? नहीं देखी। आपने देखना नहीं चाहिए? इसका शो देखा हुआ है तो मुझे अंदाजा है कि एक्टिंग कैसा एक्टर होगा। ठीक है ठीक है, अच्छी बात। हाँ भाई, अच्छा 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 मुझे बताए तो बचपन में भी ठीक है आपको क्या कहते हैं कोई आपको खिलाता था गोद में या फिर ड्रॉप कर देता था? गोद से ऐसे ऐसे कर। हमारे बचपन में मंजियां होती थी। अच्छा, उस पर रख देते थे, झूले होते नहीं थे। ये शो बहुत अटक अटक के चल रहा है। अच्छा वो जाए शायद अफरीदी साहब ने, ठीक है, एक मैंने उनका इंटरव्यू देखा था आपके साथ। ये आप तो ठीक हो गई? ठीक है, हाँ हाँ ठीक हो गई। कभी कभी कैरेक्टर भूल जाता है, परेशान नहीं होना। अच्छा मुझे बताएं शायद अफरीदी साहब ने, ठीक है, इंटरव्यू में कहा था कि यार आप जैसे स्टार को क्या कहते हैं खिलाना चाहिए, डिजर्व करते हैं, ठीक है, मगर ना क्या कहते हैं अफरीदी साहब खुद सेलेक्टर जब बने थे एक सीरीज के, तब नहीं उन्होंने आपको लिफ्ट कराई, क्या वजह थी? टैलेंट नहीं दिखाई दिया तब उन्हें आपका? फवाद तुम इसकी बातें सुनना नहीं चाहते हो या इग्नोर कर रहे हो इसको कंप्लीटली? आंसर तो देना, बताएं। उनकी लिफ्ट खराब हो गई थी। आए लिफ्ट भाई, तुम सिर्फ फवाद भाई से बात कर रहे हो, मतलब बाजिद भाई से कोई सवाल नहीं पूछोगे क्या? बाजिद भाई से? यस 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 सर सर सर, असल में वो दूसरे पर्चे पे लिखे हैं ना इसलिए। जी 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 सर, मैं क्या कहते पिछले 25 साल से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, ठीक है, मगर मैंने ना आपको कभी खेलते देखा नहीं, सिर्फ माइक आपको। यार बदतमीजी नहीं करो यार तुम, आपके हाथ में ना कैच पकड़ लिया, अच्छा कैच पकड़ा, आपके हाथ में सिर्फ माइक ही मैंने देखा, तो मुझे बता आपको क्रिकेटर कौन खेलता है? वो पूछना चाह रहे कि आप कब खेलते थे, मतलब खेले कब आप? सवाल है। अच्छा कि आपने नहीं देखा मुझे खेलते हुए। नहीं सर, मैंने सुना है कि आपने एक वनडे दे खेला हुआ है और क्या कहते हैं पूरे पांच ना नहीं एक टेस्ट खेला हुआ है और पूरे पांच वनडे खेले हैं आप, तो इतनी जल्दी थक क्यों गए आप और क्यों नहीं खेले? अरे उन्होंने बहुत सारा फर्स्ट क्लास खेला हुआ, 7,500 रन से ज्यादा किए हुए उन्होंने। फर्स्ट क्लास खेला है ना? फर्स्ट क्लास खेला, फर्स्ट क्लास बहुत अच्छा है। असल में ये पर्चे पे नहीं लिखा ना, याद नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है। वैसे मैंने सुना जो हाथ अंदर करो टीवी के इनके साथ है ना, वो फर्स्ट क्लास के फर्स्ट क्लास प्लेयर है, मैंने सुना है उनकी ना एवरेज जो है टेस्ट में 55 है, पता है आपको? अच्छा बात छोड़ यार, तुम्हारे बहुत ही फजूल सवाल आते हैं। हमारा सवाल है बाजिद भाई से। बाजिद भाई, हमने सुना ये हर क्रिकेटर जब 4-4 दफा मैट्रिक करता है, ऐसा क्यों? अंडर 19 के चक्कर में? हाँ, चौथी दफा करेगा तो 16 साल का दोबारा हो जाएगा। अरे क्या बात है, एक और टेक्निक आई हुई है, एक और टेक्निक है। बड़ा भाई जो है ना, छोटे भाई के आईडी कार्ड पे खेल जाता है। सारी बात अपनी जगह, कामरान अकमल के बारे में ऐसा कुछ नहीं सुनेंगे, खबरदार।
ऐसा नहीं बोलिएगा, हमारे दोस्त हैं वो। अच्छा हाजिर भाई, आपने पिच की रिपोर्टिंग वगैरह करते हैं, तो मुझे बता कभी ऐसा हुआ है कि आपने पिच रिपोर्ट दिया हो कि ये बैटिंग पिच है, ठीक है, खेलने वाली टीम आई हो और बहुत जल्दी आउट हो गया, फिर उन्होंने सारे इल्जाम आप पे लगा दिए, आपने कहा है हुआ है? लगता है आप टीवी देखते ही नहीं है, हर रोज होता है। हर रोज होता है, पिच रिपोर्ट तो हमेशा गलत होती है। वैसे बाजित भाई, कभी ऐसा हुआ किसी खिलाड़ी ने आके बोला यार हमारे बारे में ऐसी बातें मत क्या करें कमेंट्री में? कोई तो होगा, कोच भी आके कहता है कि यार ये हमारे प्लेयरों को ना उड़ाओ। अच्छा। आपका लेवल कोच वाला ज्यादा है, आपको कोच ज्यादा कहते होंगे, प्लेयर कम कहते होंगे वैसे। हाँ भाई, ऐसे मुझे बताए आपकी जो है क्रिकेट स्टोरी ज्यादा दुखी है या आपकी ज्यादा दुखी है, मुझे समझ नहीं। सुनो, इनको पहले कभी इतना एहसास नहीं हुआ होगा जितना तुमने आज दिला दिया इनको, आज ला के जाएगा। कोई समस्या है नहीं, ये जो है तो अब कुछ ना लोगों ने भी की हुई है ट्वीट्स, ठीक है, लोग आपके इतने इतने साथ हैं, इतने फैंस आपके साथ हैं, ठीक है, तो हाँ तो वो ना उसके अंदर ना आप एक और प्लेयर का भी उन्होंने नाम लिया हुआ है कि यार उनकी जगह पे आपको खेलना चाहिए। आपको पता है किन का नाम लिया हुआ है लोगों ने? अज़हर अली का नाम डायरेक्ट ले लो, इतना लंबा सवाल क्यों कर रहे हो? अटक नहीं किया जरूरत थी। किसका नाम सर? तो तीन चार ट्वीट्स थी, ठीक है, मैंने निकाली थी, चेक की थी, उसके अंदर ना उन्होंने लिखा हुआ था कि यार अज़हर अली की जगह ना फवाद साहब को। ये देखिए ये क्या है, वो देखो देखो क्या यार, यासिर भाई के पेट को फुटबॉल बना नहीं, रहे कुछ हो, और निकला ये क्या कर रहे हो भाई तुम ये? अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये प्लेयर जो है आया था, क्या आया था? अभी आया था, ये Got it for Fawad Alam. If getting dropped after a few failures is criteria, Azhar Ali should be first in line. Azhar bhai, bhai ye tweet dekh ke to maine faisla kar liya tha ki aapne retirement leni hai, inke sath meri wajah se zyadti ho rahi hai na, to maine kaha bas side pe jagah lekin bhai wah kya qurbani di hai bhai wah kya baat hai, aap bataye ki kya bhai, ek minute aap apna sirf haath ke sath se naak bhi andar karo सर ये देख सिंपल आप क्या कह सकते थे कि यार मुझे ड्रॉप कर दो, इन्हें खिला दो, जिस तरह ये पिछले दिनों, ठीक है, रिजवान ने कहा है कि यार सरफराज को खिला लो, मुझे ड्रॉप कर दो, आप ही कह देते? क्या अच्छी बात है भाई, एटलीस्ट उसने अगर कहा है तो। वैसे कितना सीरियसली लेते हैं ट्विटर पे और इंस्टा पे इस तरह के कॉमेंट्स का, क्योंकि आते तो रोज ही है माशाल्लाह से। फर्क भी आते हैं, हम लोग का प्रोफेशन ही ऐसा है, तो इस चीज़ को सीरियस नहीं ले तो ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा कोई जवाब आप नहीं देते? फायदा मैंने बस भी, आपको कभी ट्विटर पे, आप भी ट्विटर पे एक्टिव हैं काफ़ी, तो क्या लगता है लोग हमारे सही बातें करते हैं या बस सिर्फ बातें ही करते हैं? गालियाँ पड़ती हैं ट्विटर पे, मैं तो देखने छोड़ दी है ना। आम खाम इंसान जो है, आप भी देखते होंगे सर, मैंने एक अरसा पहले जो है देखना वाकई छोड़ दिया क्योंकि ये जो है क्राइटेरिया जो है ना बड़ा गलत तरह आपको लेके चला जाता है। लेकिन हमारे साथ जनाब बाजित भाई मौजूद है और फवाद मौजूद है, आप लोग कहीं जाएगा मत, अभी वापस आएंगे द फोर्थ एम्पायर एक्सप्रेस। पाकिस्तान, वेलकम बैक द फोर्थ एम्पायर शो में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। बाजित खान और फवाद आलम हमारे साथ हैं, बहुत सारी तालियां चाहिए। भाई लोगों ने कुछ कमेंट किए हैं आपकी पिक्चर्स पे, सो लेट्स हैव अ लुक के लोग क्या कहते हैं। बाजित भाई, इट्स अ मिक्स थिंग, लेट्स सी क्या होने जा रहा है। हाँ जी, हाँ भाई, क्या यासिर भाई के पेट को फुटबॉल बोल रहे हैं आप? वैसे एक दूसरे को इस तरह से करते हैं आप लोग, बातें करते हैं इस तरह से प्लेयर्स एक दूसरे के बारे में कि आप आज ऐसे लग रहे हैं, आज आप वैसे लग रहे हैं? शुगर मिला चलता है। भैया को क्या कहते हैं? भैया करते हैं। क्या कहते हैं ये? भैया यूं देखते हैं ऊपर फिर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं भैया? मैं तो जिसकी जो समझ आती है बोलते हैं। क्या बात है सर आपकी, अच्छा खासे जुगतबाज है ये, हमारे ब्रेक में आके जुगते मारते हैं हमें। अच्छा भाई, भाई फुट तो मौजूद है ऑलरेडी और बॉल आपकी बैक हैंड में है, ये क्या बात हुई भाई? बॉल कहाँ है? वो अच्छा वो पीछे पड़ी हुई है ये बता रहे हैं, वो पीछे बॉल नजर आ रहे हैं, वो ग्लव्स हैं बड़ा। अच्छा पब्लिक थोड़े से अपने फैक्ट्स जरा ठीक करें, ये क्या है भाई? मी व्हेन आई रियलाइज इट्स लेग्स डे अगेन जिम लाइफ। ओ तो लेग्स दिखाई भी नहीं लेग्स डे के दिन पे ना आपने, मतलब जहमत, ये क्या मोटिवेशन है, अलग किस्म की मोटिव। मैं जरा चाहता हूँ आप खड़े हो, मैं देखना चाहता हूँ लेग्स के क्या मामला चल रहे हैं। आइए खड़े हो, पाकिस्तान में लेग्स का मामला, but cricketers are supposed to be lean like that, so I think itna issue nahi. Aap sunaye ye legs ko chhod, hum dono dekhna chahte hain ki aap push up kaise karte hain, dono karke dikha de zara. Ab aap dekhna chahti hai ki kaun zyada fit hai. Dono yeah, come on. ek
तीनों बल के चारों बात हम आपको बता दें, एक बात बता दें जीतो वाले भाई, ये लड़का हमेशा यो-यो टेस्ट पास कर लेता है। अच्छा, ये वाहिद ही है ना? हमेशा कर लेता है, पता नहीं क्यों। आपने कभी यो-यो टेस्ट पास किया सर? इन्होंने सिर्फ यो-यो खेला है, ये वो वाला यो-यो करते हैं। आइए सर, आइए बाबा चेक करते हैं। चारों 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 आइए भाई चेक करते हैं, बैठ कर रहे हो, आओ चेक करते हैं कितने पानी। अरे तीनों जैकेट उतारे, जरा बॉडी दिखाएं, जरा चेक। ओह माय गॉड, क्या बात है। बात सुने बासित भाई, हमेशा खिलाड़ियों की फिटनेस पर बात करते हैं। हाँ, वैसे आप इतनी बातें करते हैं, चेक ही करूंगा। आइए चेक करते हैं, इतना अरसा तो ज्यादा आपको नहीं हुआ वैसे। ताली होनी चाहिए बासित भाई के लिए। बासित भाई आप हमें लीड करेंगे, हम आपको फॉलो करेंगे। यू लीड फ्रॉम द फ्रंट, आइए फटाफट से, फटाफट से लेट्स पुशअप लगाने। आइए चेक करते हैं। लेग डे पे आपने कहा पुशअप लगा। अरे हम नहीं लग रहे, देख के आपको आइडिया नहीं हुआ, लेग्स का हाल बुरा ही है। आइए फटाफट से, आइए ठीक है। स्क्वाट्स पे जा रहे हैं, स्क्वाट्स पे जाएंगे। चलो भाई स्क्वाट्स पे जा रहे हैं, तो फिर एक इधर या साथ, कैमरा इधर है ना। ये लड़का भी कुछ करता है, इसको बुलाइए। ये नहीं करता, ये बातें करता है बस। अब आओ, आजा आजा, कुबराई होती तो लेग्स लगा लेता यार। अजहर भाई आइए, जो थोड़े से रह गए यार, ये का बात हुई। चले भाई लेट्स सी, आइए भाई एटलीस्ट 10 तो लगाने ही। बस आपका इम्तिहान हो रहा है असल में, लड़का तो ठीक है। 50 50 50। हाँ तो फिर 1 2 3 स्टार्ट। 5 2 1 सुबह कमेंट्री में पता लगेगा आपको। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत डीप जा रहा भाई, क्या बात है। वेरी गुड, नो इजी पीजी, क्या बात है। आपने कमेंट्री बॉक्स में बताना है कि लड़का फिट है, लड़का खेल सकता है, ये बतानी है आपने। आपकी ये स्पॉट्स तो आसान काम है यार, पुशअप करने की बात हुई थी असल। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए, समझे भाई। अच्छा यार, अच्छा अच्छा भाई, आपने कहा आपको गुस्सा नहीं आता, ऐसा ही है ना। बैठिए जरा, तशरीफ रखिए। सारी दुनिया ने कुछ देखा था, वो क्या देखा था अब चेक कर लेते हैं। आइए भाई दिखाइएगा जरा क्या मामला था, ये चेक करें। फवाद आप कुछ बोल रहे हैं, आप मेरे दिल में कुछ कह रहे हैं। बस एक बात कहूंगा कि इसके बाद जब ये खत्म होगा तो डोंट कम मी के ना, कोई बात नहीं हो रहा। जो पीछे हो सामने रहो, मैं जो सामने हूँ ना वही पीछे हूँ, जो मैं पीछे हूँ वही सामने हूँ। अरे वाह, कहना क्या चाहते हो? स्पिरिट लेना ही नहीं चाहता गेम में। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी जो इन लोगों ने किया, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट थी। दो बंदे अनफिट हैं, उनका नाम नहीं आ रहा, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, बट ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है जो इन्होंने किया सबों ने मिलके, ऑल ऑफ देम। कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है ना। इतना गुस्सा लड़के, अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था मुझे गुस्सा नहीं आता, किससे वैसे ये तब चढ़ी हुई थी आपको सबसे ज्यादा इस शो में? सबसे ज्यादा तब किससे चढ़ी थी? नहीं, टीआरपी के लिए किया था ना। अच्छा, एक्टिंग कर रहा है, एक्टिंग है। इस क्लिप में सईद अजमल इतना परेशान लग रहा था कि ये हो कर रहा है आपस में भैया, उनको बताया नहीं होगा ना। हाँ, उनको बताया नहीं होगा। अच्छा भाई, हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ जाएंगे, उसका नाम है ये करके दिखाओ। अब देखते हैं कि क्या ये करके दिखाते हैं या फिर नहीं दिखाते हैं। बास भाई, आपके पास दो लोग हैं, आप लोग चूज कर सकते हैं कि आपका पार्टनर कौन होगा, क्योंकि वो आपको कुछ करके दिखाएगा और आपने गेस करना होगा कि वो क्या कर रहा है। तो ये हैं वो दो नमूने जिनको आपने अपनी टीम में रखना है। तो बासित भाई शकल तो अच्छा बनाइए। एक मिनट पहले पुगम करते हैं और चेक करते हैं पहले किसको खिलाड़ी लेने का मौका। खड़े तो हुई है, आइए तो जरा हिल तो लीजिए जरा। आइए भाई, तो फिर पहली बारी आपकी। हाँ भाई, इन दोनों में से किसको पिक करेंगे? जिसने मेरी तरह पर्दा पहना हुआ है। अरे वाह, अरे वाह। अच्छा भाई, पहले पहले फिर आपको हम खिलाते हैं ताकि आप बैठ जाएं वापस हैं। चले आओ भाई, बाहर आ जाओ। लेट्स सी, बराबर का मुकाबला होना चाहिए। क्या बात है यार, टॉस जीत के बैटिंग नहीं की। अच्छा भाई, ये जो है अब करके दिखाएंगे और गैस आप करेंगे। ओके, सो लेट्स सी कि क्या होने जा रहा है। आंखें बंद करें बाजी भाई, आंखें बंद, जब हम बोलेंगे तब खोलिएगा। और ये है पहली। ओके ठीक है भाई, आगे खोल ले, आगे खोल ले। बताने का नहीं हो रहा भाई, कोई भी नहीं बताएगा। जी सर, मुर्गिया पकड़ रहा है शायद। क्या पकड़ रहा है? मुर्गिया बेटा, मुर्गिया पकड़ रहा। इस तरह तो मुर्गिया भी नहीं पकड़ सकता ये तो ऐसे भी नहीं पकड़ सकता।
क्या लगता है? क्या यस उसने कहना थोड़ी है क्या विकेट कीपर कौन है विकेट कीपर नाम अभी आपने नाम लिया था शायद उसका वही होगा कौन है कामरान अकमल ये क्या है ये क्या बराबर में आओ मोहल्ले वाले उससे खाली गली में मिलो सरफराज अरे क्या कर रहे हो यार तुम पिछली गली के मुंडे और पीछे बैक स्ट्रीट बॉयज बराबर कह रहा है बराबर मोइन खान बराबर मुल्क का धोनी ये धोनी का इतना बुरा स्टांस था जो आपने एक शॉट पे ही समझ लिया कि मतलब कि अगर 6-7 महीने धोनी नहीं नहाया तो ऐसा हो जाता है यार अच्छी बात है भाई बासित भाई ने एक तो गैस कर लिया वेरी वेल डन बासित भाई फवाद आपकी बारी है और आपके लिए ये नमूना तैयार है पार्टनर आपको देखने की जरूरत है ना वहाँ पे आंखें बंद करेंगे फवाद भाई और ये है लो भाई ओके ठीक है ये कैसे होगा देखो आंखें खोले ये तो आप इनको देख के ही बोल सकते हैं वैसे झाड़ू हॉकी झाड़ू गोल्फ नहीं झाड़ू से क्या कर रहे हो तुम भाई ये क्या कुछ बताएं मासी काम वाली लेग स्पिन अरे टुंडा कौन है मैं अच्छा लगान का वो जो हीरो था जमादार वो जो लागा नहीं हमें क्या पता वो जो बागा क्या था उसका हमारे सिलेबस में नहीं था ये हैं हाँ हाँ अच्छा जमादार कचरे वाला अरे उससे पहले तो और इतना जमादार कचरे वाला झाड़ू देना पोछा ओए इसका अबे यार 7-6 ना ना लगे 5-4 कचरा यस सही दवा अरे उस बंदे का नाम याद नहीं आ रहा ना बंदे का नाम थोड़ी पूछ रहे बता रहे कचरा पहचान ही नहीं मैं तो कचरा रहा। उसका नाम था भाई इन दोनों को देख के तुम्हें कचरा याद नहीं आया इतना किए हम इतना जमा किए हैं अच्छा भाई आइए आगे आइए लेट्स सी बैड एक्टर रेडी आंखें बंद बासित भाई हमारे पे टाइमिंग शुरू हो गई इन पे टाइमिंग नहीं हो रही थी वो जरा और आप इधर भी मेरे साथ खेल गए देखो हम इन्हें क्या दे रहे हैं आंखें बंद जी खोल ले आंखें जी बासित भाई एक सेकंड आपको आंखें बंद करने को बोला शर्मा क्यों रहे हो आपसे ये क्या कर रहा है लो ये क्या कर रहे हो तुम कुछ चला रहा है गोली चल रही हाँ क्या गोली सही जवाब अगर ये उससे पूछते ना वो कहता फवाद खान है चलो हाँ तुम्हारी बारी आओ भाई आ जाओ रेडी है बासित भाई आप बासित भाई आके बंद और हाँ जी ठीक है ओके हटा ले जी भाई दिखाइए ओ ओ ओ अब इसमें दो है ना हाँ शाहीन शाह तो हुआ नहीं शाहिद अफरीदी क्या बात है हाँ भाई नेक्स्ट फवाद रेडी आप आके बंद लेट्स सी क्या होने जा रहा है ओके ये मुश्किल है टफ वन हाँ जी ओ अच्छा बहुत भारी है न्यूजीलैंड का जो है वो बिली बॉर्डन बिल्कुल सेम लग रहे थे उसी तरह है ना भाई रेडी है आप बासित भाई अरे कितने तैयार हैं वो रेडी आके बात हाँ जी और ये है ओके चलो भाई हमारे हम जीत जाएंगे मैच बस गया ये तो मुझे भी नहीं पता कौन है मैच बस गया चलो भाई मैं करके दिखा दो हाँ जी तुम भी करके दिखा ये भैया बहुत अच्छा करेंगे मैं कर दूँ आइए आज़र भाई ताली अर्ज करें आज़र भाई के लिए आइए देखिए आपको कलेक्टिव मदद मिल रही है 1-5 उतर के आई आपके लिए इतना बंदा हेल्प कर रहा है चार लड़के ये जो बंदा है ना हर किसी की नकल कर सकते हैं हाँ मैं पता है ये सिर्फ मैंने करीब से देखा है इन्होंने मूंछें लगाई है उसके बावजूद इनके नाक का इंप्रेशन कम नहीं ये देख रहे हैं ये कर रहे हैं भैया देख के घुटने खराब हो सकते घुटना नहीं इसमें बैग यूज ये तो बहुत देर सारे या अल्लाह वो कोर्ट में इतना ही जा सकता हूँ हैं कोर्ट में इतना ही जा सकता हूँ कोर्ट उतार दे तुम नहीं करो
पॉल एडम्स। पॉल एडम्स, क्या बात है, सही दी गया आपने। नहीं तो यार ये तो बहुत ज्यादा अच्छे गेस्ट साबित हो रहे हैं आज, वेरी वेल डन। हाँ भाई फवाद, आंखें बंद। आंखें बंद का मतलब आंखें बंद होता है। okay, हाँ जी, ओके, वेरी गुड। दिस इज ट्रिकी। यस, वेरी, दिस इज ट्रिकी, वेरी इजी। सुहेल तनवीर, अरे वाह भाई, ये तो बहुत आसानी से हो रहा है आज, बहुत ही आसानी से हो रहा है। हाँ भाई रेडी हो तो बासित भाई, वन लास्ट वन, आंखें बंद। हाँ जी, और ओके, आगे खोल ले आप। गिर गया, टुंडा नहीं होना, गिर नहीं ना दे। अरे पैंट गिर रही है भाई तुम्हारी। वैसे एक बात बताऊं क्या यार, ना कर ये मुझे प्रॉपर नकल। आओ भाई आओ, आओ एक भाई, रुक जा जज्बाती, एक मिनट, क्वालिटी एक मिनट यार। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, वाओ, ये टैलेंट चेक करें। लेट्स सी, लेट्स सी, ये सिर्फ शुरू में ही पहचान लेंगे। इधर ही बस पहले नहीं, शुरू में ही पहचान लेंगे, बस पहचान लिया, हो गया बस, पहचान लिया। मुश्ती भाई, क्या बात है। अच्छा मैंने ऐसे नहीं किया था, तो सॉरी यार, तो चल आइए ना भाई। वेरी वेल प्लेड गाइस, बहुत सारी तालियां चाहिए इन लोगों के लिए। फवाद भाई एंड बासित भाई, अवाम जो है वो रिलीफ चाहती है, अवाम बहुत परेशान है, बहुत उदास चल रही है अवाम। पॉलिटिशियंस ने तो कुछ खास उनके लिए किया नहीं, हम चाहते हैं कि हमारे क्रिकेटर्स, हमारे सेलिब्रिटीज, हमारे एक्टर्स कुछ उनको रिलीफ दें, कुछ उनका दुख कम करें। अवाम को देखना चाहते हैं आप, वो देखिए, वो रही है। अवाम बहुत उदास है, अवाम अभी सूखे में बैठी हुई है। अगर आपने अवाम को डुबाया तो बहुत बुरा हो जाएगा, मतलब कि अगर आप गलत जवाब देंगे तो अवाम डूब जाएगी और आपको बदुआएं देगी। तो अब देखते हैं कि क्या आप लोग ये गेस कर पाते हैं, जो भी जवाब हो, किसी का नाम हो, जो भी हो, आपने बताना है। अगर नहीं बताया तो अवाम पानी में डूब जाएगी। ओके लेट्स सी, हमारा ये सेगमेंट अब देखने जा रहे हैं भाई। पहला दिखाइएगा कितने पानी में, और वो है ये लॉर्ड्स के तारीखी क्रिकेट ग्राउंड में ये बदकिस्मत चिड़िया जागीर खान साहब की एक तेज बॉल का निशाना बनी, ये वाकया किस सन में पेश आया? ये तो पता होना चाहिए बास भाई आप। इट्स वेरी सैड, सन का कहां से पता होगा? सोचे सोचे, आवाम डूब गई। सोचे, पांच तक गिनते हैं, लेट्स सी। 32, 1932, ओके आखिरी जवाब, आखिरी जवाब, आखिरी जवाब। तो आइए देखते हैं आवाम बचती है या नहीं बचती है। ये कह रहे हैं 1932, और 3, 2, 1, 1936, right. तो फिर 1, 2, 3 स्टार। इट्स वेरी सैड बासित भाई, वेरी वेरी सैड। मतलब कि पॉलिटिशियंस भी और अवाम सब एक जैसा ही बर्ताव कर रहे हैं अवाम के साथ। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है, कितने पानी में। जी जनाब, ये किस मुल्क का झंडा है? फवाद एंड बासित, बताइए। अवाम फिर डूबेगी मुझे लगा। अवाम, ये तो अजहर भाई को भी पता है। अजहर भाई आप नहीं बताएंगे, प्लीज नो हेल्प। भाई बोल दे, बताओ जल्दी। एक मिनट भी नहीं है। अवाम आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। फवाद भाई, गूगली मत डालिए, अवाम को फिर डूबना पड़ेगा। भैया इधर गूगली सीधी भी डालेंगे तो डूबना ही पड़ेगा। हाँ भाई, क्या लगता है? अबे भाई, ये किसका है? युगंडा का दुनिया। बासित भाई, बासित भाई, क्या लगता है? जिम्बाब्वे का नहीं है। चले अजहर भाई से पूछ लेते हैं, अजहर भाई मदद करना चाहें। पिछला सेटमेंट देख के वही समझा ये वाले सवाल भी आसान होंगे तो मैं बच जाऊंगा, लेकिन ऐसा ना होने लगा। ये तो मैंने, तो फिर 5, 4, 3 घाना। इन्होंने कहा घाना, अब देखते हैं कि क्या होता है। और लेट्स सी, इथियोपिया। 1, 2, 3 आइए। ये किधर है? ये इसी प्लेनेट पे है, अफ्रीका में है। इस जगह पे अफ्रीका में, आइए बैठिए, तशरीफ रखिए। लेट्स सी जनाब, अवाम को जो आप लोगों ने आज हशर किया है ना, वैसे ये अवाम कभी भूलेगी नहीं। ये देखिए, यही है वो दो लोग जिन्होंने अवाम के साथ ये सलूक किया है। हाँ भाई, कितने पानी में? फाद भाई और ना पूछे, कोशिश करें, कोशिश करें। लेट्स सी, अभी 4 और है बेटा, आइए देखते हैं क्या होने जा रहा है। हाँ भाई, ग्राउंड का नाम बताइए। अरे ये तो बहुत आसान है। हाँ तो बताओ फिर। ये तो नहीं, कोई नहीं बताएगा, हमें मना है बताना। उसकी एक्टिंग चेक करिए। तो क्या है ये?
क्रिकेट स्टेडियम। अरे वाह क्या बात, क्या बात। असल में बात बताऊं क्या है, हाँ वाजिद भाई असल में डब्बे में बैठे रहते हैं, ऊपर से कभी ग्राउंड देखा ही नहीं है। क्या बात, क्या बात। कितना आसान है ना किसी प्लेयर पे कमेंट देना। अब बताइए ना जरा, ये सब देख रहे हैं प्लेयर, जिस जिसको आपसे तप है ना वो आज देख रहे हैं। फवाद बता दो प्लीज। फवाद, फवाद। अच्छा अजहर भाई से पूछ लेते हैं, लेट्स सी। अजहर भाई पता है, पता है। बड़े ही ग्राउंड्स की खाक छानी है आपने, बताइए क्या लगता है। बताइए अजहर भाई। भाई थोड़ी तस्वीर तो सही लगाते ना। एडिलेड लग रहा है मुझे, एडिलेड आई थिंक। भाई ड्रोन शॉट्स हैं, अच्छे शॉट्स हैं। हां क्या लगता है अजहर भाई, कह रहे हैं कि एडिलेड है। एडिलेड लग रहा है आपको, अच्छा ठीक है चेक कर लेते हैं। अगर एडलेट ना हुआ नहीं तो आप से पूछ लो जिन्होंने बोना है। आप क्या कहना चाहेंगे, तो आप कोई भी ऐसे ही तुक्का, टेक अ गेस, वाइल्ड गेस। हमें तो ये नाजमाबाद नंबर दो का लग रहा है। ये बड़ा मैदान है ना पीछे, वही वाला है ये। हाँ भाई क्या लगता है, ये 3D इमेज भी लग रहा है। ओल्ड ट्रैफर्ड, ओल्ड ट्रैफर्ड ये कह रहे हैं, और ये कह रहे हैं आपने क्या कहा, एडलेट। लेट्स सी अगर इन दोनों में से कुछ हुआ तो तुम बच जाओगे वहां, ठीक है। एक दो और सिडनी, तो फिर एक दो तीन बाय बाय। कोई तो ठीक हो जाए, आपके शो में गलते नहीं है, मैं बार बार डुबा रहा हूँ आप मुझे। वादा करो, वादा करो, वादा करो। कराची में पानी को बाहर निकाल ले, अंदर ही रहने दे भाई, अब अंदर ही रहने दे, निकल जाता कहीं और। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक एक बार कोशिश कर, क्या पता कुछ कर दे। बात भाई आपकी इजाजत हो तो इसकी मूंछों को रेस दे दूं। हाँ दे। अभी तुम रेस दे के ऊपर तो आ जाओ, तुम्हें दोबारा नीचे जाना पड़ेगा। भाई आखिरी मौका दे रहा हूँ आपको, ठीक है, ठीक। अब देखते हैं क्या होने जा रहा है। कुछ तो कर लो फवाद, कुछ तो कर लो सिस्टर। तो फिर उर्दू में, अरे इतना आसान इस चीज को क्या कहते हैं, अरे बहुत आसान है ये तो, इस चीज को क्या कहते हैं। अबे जो आप करते हो बताओ ना। मुझे तो बस कूटने के लिए दे दिया जाता है, मैं तो बस कूटने के लिए। मुझे लगता है इसके लिए तारिक सईद को बुलाना चाहिए, उसको जरूर यकीनन पता होगा, है ना। क्या लगता है भाई फवाद, जस्ट वाइल्ड गेस, कोशिश करें। ये तो पता है इसमें चीजें कूटे जाती है, लेकिन बहुत आसान है यार फवाद। अरे भाई लंगड़ी पाला बोल दो, लंगड़ी पाला है, लंगड़ी पाला बोल दो, लंगड़ी पाला बोलो यार। कुछ नहीं तो फिर तुम बताना चाहते हो, भाई मैं बता दूं। नहीं बेटा, एक दो तीन और चलो 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 चलो, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। इसको कहते हैं हवन दस्ता। हवन दस्ता कहाँ से आ रहा है, वेरी वेरी सैड। इसको इसको आम अच्छा तौर पे ये नहीं कहा जाता, आम तौर पे क्या कहा जाता है, स्पेशल उर्दू का लफ्ज है। तो हम कौन सी नॉर्मल उर्दू का लफ्ज इस्तेमाल से रिलेटेड ही कुछ कहते हैं। अच्छा भाई इनको एक आखिरी मौका और देते हैं और देखते हैं क्या पता शायद कोई सेविंग ग्रेस। मैं चाहता हूँ सफाई के ही नंबर इनको मिल जाए, लेट्स सी क्या होने जा रहा है। आखिरी मशहूर पाकिस्तानी एम्पायर और क्रिकेटर का नाम बताएं। ये तो गॉड से गाइस, तुझे पता ना भाई बहुत बहुत अच्छा लगा आज आपसे गपशप करके। फवाद आपसे बहुत अच्छा लगा आज गपशप करके, बहुत सारी बातें खुल के सामने आई कि आप एक्चुअली कैसे इंसान हैं, बहुत खुशी हुई। अजहर भाई जाने से पहले कल किसका मैच है सर, जलमी और यूनाइटेड का, याद करके आता है लड़का। अपना ख्याल रखिएगा, कल आप लोगों से मिलेंगे द फोर्थ पाइस शो, बाय बाय।